लगातार वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है और वोटिंग के लिए दिल्ली में कुल 13,665 बूथ केंद्र बनाए गए हैं। मतदान लगातार हो रहा है, वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर बूथों पर कैमरे भी लगाए गए हैं और साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान बूथ तक ले जाने के लिए ट्राईसाइकिल का इंतजाम किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम चुनाव में वोटरों को मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति दी है। एमसीडी चुनाव में सुरक्षा को लेकर मतदान केंद्रों को और संवेदनशील स्थानों की ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। मतदान को लेकर युवा उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो लगातार वोटिंग जारी है और 13,665 बूथ केंद्रों पर मतदान करने के लिए दिल्ली के ये वोटर्स पहुंच रहे हैं। दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था है, उनके लिए ट्राई साइकिल भी उपलब्ध करवाई गई है जिससे वह आसानी से सेंटर तक पहुंचकर मतदान कर सके और ड्रोन कैमरे से भी निगाह रखी जा रही है। युवा वोटरों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कोई अप्रिय स्थिति ना बने इसको लेकर। और ड्रोन कैमरों से निगाह भी रखी जा रही है। तो 13,665 बूथ केंद्रों पर वोटिंग जारी है। लोगों को अल्टीमेटली अपनी गलियां साफ चाहिए। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कोई साफ सफाई नहीं कराई, कूड़े के पहाड़ दिए, हर तरफ गंदगी फैलाई, तो पूरी तरह से फेल भारतीय जनता पार्टी पे इस बार जनता झाड़ू चलाना चाहती है। वो 250 वार्ड में भी और 272 वार्ड में भी लोगों को तो अपनी सफाई चाहिए। तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के फेलियर की भरपाई अपने अपने क्षेत्र में लोगों ने आरडब्ल्यूएस बना के की, अपने इलाके की साफ सफाई और व्यवस्था देखने के लिए। तो आगे जब केजरीवाल जी की गवर्नेंस इसमें चलेगी एमसीडी में, तो आरडब्ल्यूएस को मिनी पार्षद की ऑफिशियल भूमिका में रखा जाएगा। तो नगर निगम चुनाव के लिए लगातार दिल्ली में वोटिंग जारी है। हम आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के कृष्णा नगर से, जहां बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने मतदान किया। और उसके अलावा अगर हम देखें तो दिल्ली के बदरपुर प्राथमिक स्कूल में, जहां आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने वोटिंग की है। और दिल्ली के राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय दल्लूपुरा की तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता अनिल चौधरी वोटिंग करने के लिए पहुंचे। तो तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने मतदान किया। दूसरी तस्वीर बदरपुर प्राथमिक स्कूल की, जहां आप नेता गोपाल राय ने वोटिंग की। तीसरी तस्वीर दिल्ली के राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय की, जहां कांग्रेस नेता अनिल चौधरी वोटिंग करने पहुंचे। वहीं गोरखपुर से बड़ी खबर, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का कार्यक्रम, वार्षिक सप्ताह समारोह में पहुंचे सीएम योगी। तो कई विद्यालयों में सैकड़ों छात्र छात्राएं वहां पर शामिल है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। बड़ी खबर सामने आ रही है गोरखपुर से, जहां महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का कार्यक्रम, वार्षिक सप्ताह समारोह में पहुंचे